हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम थाने के सभागृह के सामने, और आपको बता दें कि यहाँ पर अखिल भारतीय दिव्यांग सेना विश्व दिव्यांग अत्याचार विरोधी मंच के संगठन मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद फारूक खान, ये जो है आज तमाम विकलांगों के साथ जो है यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस विरोध प्रदर्शन का मकसद क्या है, क्यों ये लोग जो है आज तमाम विकलांग जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। यूसुफ भाई, आज आप लोग यहाँ पर क्यों विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या वजह है इसकी? चार महीने से कलो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हॉस्पिटल है उसके चक्कर है कि दिव्यांग व्यक्ति की, दिव्यांग बच्चे की माँ काट रही थी दाखिला बनाने के लिए। चार महीने के बाद में उधर के डॉक्टर बोलते है कि आपका दाखिला मिलने के लिए आपको राशन कार्ड, लाइट बिल वगैरह देना पड़ेगा। वो औरत ने बोली कि भाई मेरे बच्चे का अगर मेरा, मैं तो भाड़े पे रहती हूँ, मैं लाइट बिल कहाँ से लेके आऊँगी, मेरे पास आधार कार्ड है, जन्म पत्रिका है, राशन कार्ड है, वो लेके आप करो। तो भड़क गया डॉक्टर, भड़कने बाद में उसको उल्टा सीधा बात किया, गाली गलौज किया, तो उसने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना चालू करी तो उसने क्या किया, अपना वो डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड को बुला के बोलता है कि इनको बाहर निकालो, तो सिक्योरिटी गार्डों ने उसे खींच कर बाहर ले जाके मारा। मारने के बाद में उसको उसका मोबाइल जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद में जब हम पुलिस स्टेशन गए इसमें मामला दर्ज करने के लिए, विनय भंग का और 92। अच्छा, आप ये बताइए कि जो डॉक्टर थे उन डॉक्टर का क्या नाम है, और सिक्योरिटी गार्ड जो थे, क्या लेडीज ने हाथ उठाया या जेंट्स ने हाथ उठाया, उन लोगों के क्या नाम है, और किस पुलिस स्टेशन में आप गए थे, क्या कंप्लेंट दर्ज हुई है उनकी? डॉक्टर का, सिक्योरिटी गार्ड का नाम नहीं मालूम। हमारे जो फुटेज है, फुटेज जो अभी आ रहा है उसमें, और डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आके माफी मांग के गई है आंदोलन पे। हम कलवा पुलिस स्टेशन गए थे उनपे मामला दर्ज करने के लिए, और जो सिक्योरिटी गार्ड, जो तीन जेंट्स थे, दो लेडीज थी, उन्होंने घसीटे, जेंट्स से घसीटने का क्या हक है, तो हमने विनय भंग का मामला दर्ज करने के कलवा पुलिस स्टेशन गए थे। कलवा पुलिस स्टेशन के अंदर 4 तारीख को जाने के बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो हम उनके वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहे थे कि मामला दर्ज किया जाए। मैं उधर जो एक PSI यादव करके है, उन्होंने हमारे पास जो एक वीडियो था वो वीडियो को नष्ट कर दिया, नष्ट किया। तो हमने किया, ये किसने किया? कलवा पुलिस स्टेशन में कार्यरत PSI यादव, पुलिस अधिकारी है, उससे नष्ट किया तो हम उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करने के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी, आपका मोबाइल लेकर और वीडियो डिलीट कर दिया। तो हमने उनके पास, उनके खिलाफ भी हमने शिकायत दर्ज किया, मगर मामला दर्ज नहीं हो रहा था। आज एक हफ्ता हो गया मामला नहीं दर्ज हो रहा था, इसलिए हम इधर आज धरना आंदोलन के लिए इनको सहयोग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। इनको न्याय मिलने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये बच्चा आप देख सकते हैं, ये बच्चे के हम लोग लड़ रहे हैं, हैंडीकैप बच्चे। तो अभी आपका धरना आंदोलन यहाँ पर चालू है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि आपको न्याय मिलेगा? नहीं, अभी उन जो सिक्योरिटी गार्ड ने जो मारपीट करी थी, उन लोगों ने आज सबके सामने आके माफी मांगा है। उन्होंने कहा हमसे गलती हुई है, इसके बाद हम किसी भी दिव्यांग को, क्या लिखित में दिया गया है? लिखित में नहीं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है, मैं लिखित में नहीं दिया, मगर इसके बावजूद हमने ये लड़ाई को जारी रखने के लिए हमने कलेक्टर जो शिकायत दर्ज कराना, हमें शिकायत दर्ज कराना ही है। जब तक शिकायत दर्ज नहीं होती, जब तक हमारा ये मिशन पीछे नहीं हटेगा। सिर्फ आज हम लोग इससे पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इधर पे कोरोना महामारी फैली हुई है, इसलिए हम कलेक्टर साहब को निवेदन दिया और उनसे आग्रह किया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करो, अन्यथा हमें इससे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से मोहम्मद यूसुफ है, इन्होंने बताया कि जो है आज कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पर आए थे इनके आंदोलन पर, और इनसे मुलाकात करके जो है इनसे माफी भी मांगी है। मेन मकसद इनका ये था कि जो एक अपंग बच्चा है, इसका सर्टिफिकेट जो है बनवाने के लिए, जो उसकी माँ शबनम, वो लगातार 2-3 महीने से कलवा छत्रपति शिवाजी अस्पताल के चक्कर लगा रही थी, और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगने के बजाय इन लोगों में कुछ किसी डॉक्यूमेंट के वजह से कहा सुनी हुई, जिसके बाद जो महिला है शबनम, उसने जो है मारपीट का आरोप जो है वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी है उन पर लगाया था, जिसके बाद यूसुफ जो है वो पुलिस स्टेशन गए थे शिकायत दर्ज करने के लिए, लेकिन जो इनके पास प्रूफ था, वीडियो था, वो भी कहीं इन पुलिसकर्मी ने डिलीट कर दिया, जिसके बाद ये लोग आज यहाँ सभागृह पर जो है
आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन यूसुफ के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, थाने।